प्रोग्राम मुलाहिसा फरमा रहे हैं। औलिया अल्लाह, आज का प्रोग्राम इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में है। ये हजरत इमाम बरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। ये मज़ार इस्लामाबाद में वाक़ है। हजरत इमाम बरी अपने अहद के अजीम और मशहूर औलिया में से हैं। आपका ताल्लुक सिलसिला कादरिया से था। शाह अब्दुल लतीफ़, वालिद माजिद का इस्मे ग्रामी सैयद सखी महमूद, आपके वालदैन मौजा करसाल तहसील चकवाल ज़िला जहलम में रिहाइश पजीर थे और आप इसी गांव में 1026 हिजरी में पैदा हुए। बादशाह जहांगीर का अहदे हुकूमत था। आपका सिलसिले नसब हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। आपका बचपन आम बच्चों से कतन मुख्तलिफ था। बचपन ही में आपका रुझान जुहद तक्वा तर्क दुनिया और मजहब की तरफ माइल था। वो गांव के दीगर बच्चों से मिलकर न खेलते बल्कि अपने मवेशियों को लेकर गांव से दूर निकल जाते और अलहदगी में बैठकर इबादत इलाही में मशगूल हो जाते और मवेशी इधर उधर चरते रहते, शाम को इन्हें जमा करके वापस घर ले जाते। अपने वालिद मोहतरम से मजहबी तालीम हासिल की। कभी झूठ न बोलते और किसी को गाली न देते, किसी की गीबत न करते और शरारत से हमेशा दूर रहते। आपके इस रुझान और मालिक हकीकी से इश्क सादिक का नतीजा यह हुआ कि आप छोटी सी उम्र में अल्लाह के महबूब बन गए और आपकी जुबान में तासीर पैदा हो गई। जो बात मुंह से निकालते पूरी हो जाती।
حضرت سید عبداللطیف بالکل بچے ہی تھے کہ آپ کے والد اپنے آبائی گاؤں موزا کرسال سے نقل مکانی کر کے موزا باغ کلاں یعنی آپ پارا اسلام آباد کے مقام پر آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ حسب معمول مویشی چرانے کا کام شروع کر لیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ تقریباً 100 بھینسوں کا گلہ لے کر پہاڑ کے دامن میں چرانے چلے گئے اور حسب معمول انہیں چھوڑ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور عبادت میں اس قدر محو ہوئے کہ بھینسیں قریبی کھیت میں جا گھسیں اور فصل تباہ کر دی، لیکن آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ کھیت کا مالک یہ کیفیت دیکھ رہا تھا، وہ اپنے نقصان پر بڑا جھنجھلایا اور فوراً گاؤں پہنچ کر حضرت شاہ محمود سے شکایت کی۔ حضرت شاہ محمود اٹھے اور شاہ لطیف کو ان کی غفلت پر سرزش کرنے کے لیے دامن کوہ میں جا پہنچے۔